बेवकूफ औरत हो तुम। कसम दी भी तो किसकी, भगवान अंकल। अरे उनका नाम सुनकर तो रुकने वाला भी भाग जाए। अरे भगवान जी मतलब ऊपर वाले भगवान जी। और नंदू पहले तो तुम मुझे भोली चंदू कह के बुलाते थे, आज तुमने मुझे बेवकूफ चंदू कह के बुलाया। क्योंकि अब मेरी आंखों से पर्दा उठ गया है, तुमने मुझे एक कैदी बनाकर रखा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। और मैं अपनी जिंदगी अपने हम सफर के साथ बिताना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। नंदू प्लीज मेरी बात सुनो, नंदू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मेरी बात क्यों नहीं, नंदू इसे यहाँ किसने बुलाया? इसे यहाँ मैंने बुलाया, मुझे रात में डर लगता है इसलिए मैं इसके घर जा रहा हूँ। नहीं नंदू प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज नंदू। नंदू तुम मेरी बात नहीं सुने, नंदू प्लीज छोड़ो मुझे, चलो रंबा डाल। नंदू नंदू नहीं नंदू नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, नंदू नंदू प्लीज नंदू प्लीज नंदू। हे रब जी शुक्र है, मैं सपना देख रही थी। नंदू मैं नंदू नंदू कहाँ चला गया नंदू? ये नंदू इतनी सुबह सुबह किससे हंस हंस के बातें कर रहा है? हाय हाय, जरूर रंबा से कर रहा होगा, वरना इसे तो कोई काम नहीं है। रब जी मुझे सौतन से बचाओ प्लीज। चलो अब नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। सॉस कहाँ रख दी मैंने? मैं इतनी जोर से चिल्लाई और नंदू बाहर आया ही नहीं मुझे देखने के लिए। नहीं सच में नंदू घर छोड़कर तो नहीं चला गया? ये क्या कर रहे हो नंदू? अरे वो दर्जी को ना चप्पल ठीक करने दी थी, तो पूछ रहा हूँ वापस कब देगा। तो अच्छा मोची को जो पजामा सिलवाने दिया ना वो भी मंगवा लो। ओके है? पर मोची के पास तो कोई पजामा। अच्छा जी चंदू तुम मजाक कर रही हो ना? शुक्र है रब जी कुछ तो समझ में आया। आहा। चलो उठो तुम नहाने के लिए उठो। चलो अरे चलो चलो नहीं यार, प्लीज चंदू पता नहीं कितने दिनों बाद नहाए। अरे यार चलो उठो। नंदू की साफ सफाई तो हो गई, अब घर की साफ सफाई शुरू की जाए। हॉल से शुरू करते। अरे वाह सुबह सुबह साक्षात भगवान आ गए, वो भी इतना सज धज कर। वैसे इतना सज धज के जा कहाँ रहे हैं? अरे नहीं मैं तो नंदू का हालचाल पूछने आया था। नंदू का हालचाल? मिठाई लेकर? अच्छा मैं चलता हूँ, नंदू से कहना कि मैं काम से आया था। अरे वाह अंकल, अभी तो आप कह रहे थे कि नंदू का हालचाल पूछने आए हो, अभी आप कह रहे हो कि नंदू के साथ कोई काम है, कहीं आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तुम गलत समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ भाई। एक हाथ में डिब्बा है और ये दूसरी तरफ मेरी जेब में ये प्रोडक्ट है। अच्छा और मैं खुशखबरी देने आया था। वैसे खुशखबरी आप मुझे भी दे सकते हो, पर अभी तक आपने मिठाई का डिब्बा मुझे दिया नहीं। मिठाई का क्या है, ये लो मिठाई लो। वैसे ये किस बात के लिए? मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है।
नया बिजनेस? पुराना क्या था? योगंडा की एक कंपनी है जिसने दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उसकी एजेंसी मैंने ली है, और प्रोडक्ट भी ऐसा है कि हर किसी को इसकी जरूरत पड़ सकती है। नया टाइम पास। नंदू होता तो मैं उसे बताता, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। अभी तो आपने कहा ये प्रोडक्ट कोई भी इंसान यूज कर सकता है, और अब आप कह रहे हो कि ये सिर्फ नंदू के काम की चीज है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस में वो मेरी मदद करता। पर मदद तो मैं भी आपकी भगवान अंकल कर सकती, वो भी नंदू से ज्यादा। तो ठीक है, तुम बिकवा दो। अरे प्रोडक्ट क्या है? हाँ प्रोडक्ट ये है, दो चीजें हैं, दो माल है। ये है प्रेमी फसाओ और ये है प्रेमी भगाओ। अगर प्रेमी फसाओ किसी को खिला दो तो वो इंसान जिसे प्यार करता है उसे हासिल करके ही रहेगा। रियली? और प्रेमी भगाओ किसी को खिला दो तो कोई भी उसके सामने आ जाए उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाय सच्ची? इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका बिक गया भगवान अंकल। नहीं नहीं, ये नहीं बिक सकता। क्यों नहीं बिक सकता? इसने बिकने से मना कर दिया। अरे ये सैंपल है, बिकने वाला माल बाद में आएगा। अरे भगवान अंकल, पहले लोग सैंपल यूज करके इसका फायदा देखेंगे, तभी तो आपका माल बिकेगा। कंपनी ने ये सैंपल देने से मना किया है। अच्छा जैसी आपकी मर्जी भगवान अंकल, पर जाने से पहले प्लीज मेरा फेवर कर देंगे? मैं बहुत बिजी हूँ और हाथ भी गंदे हैं, आप वो मिक्सर का स्विच ऑफ कर देंगे प्लीज? हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। अरे रहने दीजिए, वहाँ तो कोई स्विच है ही नहीं भगवान अंकल। मैं भी ना। क्या बात है? ठीक है मैं चलता हूँ। ओके भगवान अंकल, आपका प्रोडक्ट और मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर भूलना मत। हाँ अच्छा बाय। यहाँ कोई मेरी मजबूरी नहीं समझता, सारी खुराफात मुझे ही झेलनी पड़ती है। लगता है मैंने अपने ऑफिस में गधे पाल रखे हैं। गधे रामलाल गो, रबा कबला कलाव गो। तू पहली बार शिकार शिकारी का इंतजार कर रहा है। रंभा अपने प्यार के रंग को नफरत के रंग में बदल देगी। रंभा रंभा, ये किस खुशी में? आज सुबह सुबह अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई खुशी आने वाली है, इसलिए ये एडवांस की खुशी में। वेरी गुड। पर ऐसा पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। जब से तुम इस नादानिया में आई हो तब से मुझे लगा है कि मेरी जिंदगी खिल सी गई है, यू नो। थैंक यू सो मच, बट आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम ऑन अ डाइट। पर ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री? तब तो ये और भी ज्यादा हार्मफुल है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड ऑल, ओ माय गॉड। अरे नहीं नहीं रंभा, ये तो हिमालय की जिंदाला चोटियों के कंबाला पर्वत के शीनी मीनी पत्तियों की मिठास से बनाए हैं ये रसगुल्ले। संजीवनी यू नो ना? संजीवनी हॉस्पिटल? नहीं नहीं पर्वत, द माउंटेन्स। ओके तुम ऐसे नहीं मानोगी। कैसा लगा? बहुत ही जोर से लगा। मेरे बच्चे में बहुत ही अच्छा लगा। आप भी लीजिए ना। अरे मेरे किस काम का? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे शीनी मीनी पतियों से एलर्जी है। मैडम बॉस ने आपको बुलाया है। ओके ओके अभी आए। अरे पर रंभा, ये मिठाई का डब्बा क्यों साथ ले जा रही हो? अरे तुम्हें तो शीनी मीनी से एलर्जी है ना? डोंट वरी, मैं सब में बांट दूंगी। ओके अरे सुनो, हाय 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 रब जी, कहीं गलती से ये रसगुल्ले बॉस को ना खिला दे रंभा, वरना मुझे अंबाला कंबाला जिम्बाला सबके साथ रहना पड़ेगा। नहीं 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 रब जी, प्लीज 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 मेरी नौकरी बचा लो और रंभा को ना फंसा देना। तुम मेरे दिल में ऐसे समाए जैसे कोई बंदर पान खा के मुस्कुराए, जैसे जैसे कोई महीनों तक नहीं नहाए और
फिर भी इतराए। अरे बस 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 बस, बस। तुम तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड राइटर हो रंबा डार्लिंग। कितनी गहरी सोच है यार, मैं तो टच हो गया। ये शायरी मेरे दिल की गहराई से निकली है नंदू, तुम्हारे लिए मैं मॉडलिंग भी छोड़ दूंगी। अब, 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 नहीं नहीं रंबा डार्लिंग, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। हाँ तुम मेरे लिए चांदनी को छोड़ दो। मैम, बॉस ने आपको कैबिन में बुलाया है। बॉस का मूड कैसा है? गरम तवे पे हाफ फ्राई है? अच्छा हाफ फ्राई, तुम जाओ। मेरा मतलब है रामलाल, तुम जाओ, मैं आती हूँ। एक तो इस रैपिडेक्स ने मेरा खून पी रखा है, हिंदी भी बोलता है तो अंग्रेजी स्टाइल में, वो भी गलत। कहीं गलती से रंभा ने वो रसगुल्ले बॉस को तो नहीं खिला दिए? बहारो धूल बरसाओ, मेरा यमदूत आया है, मेरा यमदूत आया है। अरे अरे बॉस बॉस बॉस, उठिए उठिए, क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है? मेरा दिल तुम्हारा मजार है, मैं तुमसे बहुत ही कारत करता हूँ, ये चाहता हूँ कि सारी जिंदगी के लिए तुम मेरी हो जाओ। क्या? अच्छा ये बताओ ना, ऐसी मेरी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? यही कि तुम नंदू हो। और बेबी, मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? यही कि तुम रंबा हो। दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना नंदू। पसंद नहीं रंबा डार्लिंग, विचार विचार। बताए हम दोनों को ना शादी कर लेनी चाहिए। रंबा डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाय रब जी, ये क्या हो गया? शनि तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ये तो प्रेमी फंसाओ प्रोडक्ट है। क्या करूं क्या करूं, भगवान अंकल को फोन करती हूँ। हेलो। अरे चांदनी, मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था। वो जो प्रेमी फंसाओ वाली बोतल है वो शायद तुम्हारे यहाँ रह गई है क्या? हाँ भगवान अंकल, वो गलती से ना वो प्रेमी फंसाओ वाली बोतल ना मेरे पर्स में आ गई, और गलती से मैंने किसी को खिला भी दी। कितनी गड़बड़ हो गई मैं बता नहीं सकती आपको, बताइए ना क्या करूँ मैं। अरे भाई बगैर पूछे इस्तेमाल करोगी तो यही होगा ना। अरे उसके पैसे मैं आपको दे दूंगी, आप बस इतना बताइए कि ये मुसीबत कब ठीक होगी। ऐसा है कि इसका असर 24 घंटे तक रहता है, या फिर उसे प्रेमी भगाओ वाली दवाई पिलानी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं प्रेमी भगाओ प्रोडक्ट लेने आ रही हूँ आपके पास। नहीं नहीं, वो तुम नहीं ले सकती, वो सारी दवाई मैंने पी ली है। क्या आप खा गए? अरे भगवान अंकल, मैं आपको उसके दुगने पैसे दूंगी, 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगी, प्लीज वो दे दो मुझे प्रोडक्ट। नहीं वैसे थोड़ी सी दवाई है, सारी नहीं पी है। लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। आप भूलने दोगे तब ना। अरे भगवान अंकल मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो प्रोडक्ट गलती से मैंने रंभा को खिला दिया, और उसके खाने के बाद रंभा ऑफिस से और नंदू घर से दोनों गायब है। भगवान अंकल सच बताइए, आपने उन दोनों को कहीं देखा है क्या? देखो मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शक से कह रहा हूँ कि पास वाले पार्क में जितने फुकरे और नाकारा आशिक हैं अपना इश्क आजमाने वहाँ जाते हैं। भाई 400 रुपए के लिए क्या रो रहा है भाई? यहाँ पर किसी का घर बस रहा है ना, और मेरा घर उजड़ रहा है। ये दिल्ली है, आज नकद तक कल उधार, पैसे ले आओ, 1 के 10 हार ले जाओ, मेरी तरफ से घर भी 10 बसाओ। बस तुम्हारी सलाह की जरूरत थी फूल वाले को। क्या भैया, आप भी ना 400 रुपए के लिए ये लीजिए। क्या बात है, ले लूं? ले लो। अब डालिंग ये उधार है, बाद में लौटा दूंगा। मेरा तो आज तक 1 रुपया नहीं दिया नंदू ने, और इसे तो हाँ।
धर्मा डार्लिंग, आओ प्यार भरी बातें करते हैं। हमारी शादी को 2 ही मिनट तो हुए है ना। कितनी ताजा ताजा शादी है ना हमारी। हाँ, बड़ी ताजी है। लगता है यहाँ पर कोई आत्मा वात्मा है। रब जी कैसा है ये आदमी, जीते जी मुझे आत्मा बना दिया। चलो चलते। लेकिन बेबी तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम मंदिर जा रहे हैं, सच में शादी कर लेंगे। लेकिन बेबी डिवोर्स, तुम चांदी को डिवोर्स नहीं दोगे? अरे बिल्कुल दूंगा ना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ना बेबी, आई लव यू। हाय 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 हाय। चलो चलो। भगवान अंकल, नंदू बोल रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाँ, कभी कभी ऐसी गलती कर लेनी चाहिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने फैसला लिया है कि मैं और रंभा शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ, और रंभा भी यही चाहती है कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे क्या भिखारी की तरह मांगते रहते हो, कभी देने के बारे में भी सोचा? मुझे एक एडवोकेट का नंबर चाहिए जो जल्द से जल्द हमारा डिवोर्स करा सके। हाँ एक है। एडवोकेट ढलोकिया मेरा पक्का यार है। मुझे जल्दी से जल्दी उसका नंबर SMS कीजिए और 1 घंटे में ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर और पूजा का सामान लेकर अक्षरधाम मंदिर आ जाइए। अक्षरधाम, ओके बाय। अक्षरधाम तो पकड़ गई आपकी, क्या बात है भगवान अंकल, आजकल तो दिल्ली में छाए हुए हो। अरे पप्पू, अरे तुम कब आए, कहाँ थे इतने दिन? मैं भगवान अंकल धनतोला गया हुआ था जरूरी काम से। लेकिन भगवान अंकल एक बात बताऊं, जितनी भी घिसी पिटी पुरानी चीजें देखता था ना, आपकी बहुत याद आती थी। आई मिस यू भगवान अंकल। आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त शादी करने जा रहा है। शादी? फिर फेंकना शुरू कर दिया तुमने। अरे तुम्हारे जमाने के तो अभी इंजन भी आने बंद हो गए हैं, ये कौन सा मॉडल है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई? सुनना चाहते हो? हाँ? वो तुम्हारा भाई है नंदू। पर भाई की तो शादी हो चुकी है, क्यों मेरा दिमाग चला रहे हो? अरे वो रंभा से शादी करने जा रहा है। हाँ इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम बराती नहीं हो घड़ाती हो, वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा है, जल्दी जाओ और पूजा का सामान लेके आओ, चलो भागो। पूजा का सामान? अब मिठाई का क्या करूंगा? आइडिया, मैं चंदू से पैसे लेके आता हूँ नंदू की मिठाई के लिए। अबे पप्पू बिल्कुल सही वक्त पे आया भाई। लेकिन ये सब क्या हो रहा है भाई, ये तुम क्या कर रहे हो यार? अबे शादी कर रहा हूँ, कपड़े देखकर नहीं लग रहा? तुम ऐसे दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है भाई। अबे क्यों नहीं कर सकता, बड़े बड़े राजाओं ने भी तो 2 दर्जन शादी की है, मैं क्यों नहीं कर सकता? आजकल ना राजा महाराजा भी दूसरी शादी नहीं करते। देख पप्पू, भेजा मत खराब कर, ये शादी होकर रहेगी। पंडित जी मंत्र पढ़ी, ओम प्रजापते भ्यो नमः स्वाहा इदं प्रजापते, ओम अग्ने भ्यो नमः स्वाहा इदं अग्ने, ओम केतुवे भ्यो नमः स्वाहा इदं केतुवे, ओम शरव। पंडित जी मुझे बहुत भूख लगी है, खाली पेट तो भजन भी नहीं होते, तो ये शादी कैसे करूंगा यार? हाँ पंडित जी, नंदू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ना इन्हें कुछ खिला दीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए। चंदू तुम यहाँ? मुझे जब पता चला कि तुमने और रंभा ने शादी करने का फैसला किया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लो मुंह मीठा करो। हाय 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 हाय। रंभा तुम भी अपना मुंह मीठा करो ना, तुम खुश नहीं हो क्या? वर और कन्या एक दूसरे को वरमाला पहनाएं।
वर और वधू फेरे के लिए खड़े हो जाते। हाय 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 अंधे कहीं के मुझे कपड़ों पर ही बैठ गए। तुझे इतना पसर के बैठने के लिए बोला किसने था? गवार आदमी, एक तो गलती करते हो ऊपर से जमान लड़ाते हो। गवार? मैं गवार? अरे सस्ते मेकअप की चलती फिरती दुकान। तुम्हारी उबली हुई अंडे जैसी शक्ल से तो बहुत अच्छी है, शादी करने निकला है। चल निकाल निकाल मेरे 400 रुपए जो मैंने उस हार वाले को दिए थे और उतार मेरी दीवी शेरवानी। हाँ लो 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 ये लो। थैंक यू वेरी मच, अपनी ये घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। हाँ नहीं दिखाऊंगा, जाओ जाओ फुटो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। चंदू मुझे माफ कर दो यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया पर सही वक्त पर मुझे अक्कल आ गई है। चलो ना हम अपने घर वापस चलते हैं। नंदू मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम दोनों की शादी टूट गई है, तुम मेरी शादी में जरूर आना। और सुनो डिवोर्स पेपर्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, तुमने ऑलरेडी बना लिए है। किससे शादी? बॉस से, आज ही मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया है। सॉरी नंदू अब तो बहुत देर हो गई, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। बाय। चंदू चंदू यार 2 हफ्ते के लिए क्या गया, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खामोशी आ